पहले मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से समझना। हम लोग क्लास के दौरान भी डिस्कस करते हैं तो चीजें मजेदार समझना। यार एसेट्स की वैल्यू है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो खो मत जान, ठीक है? एक मिनट भाई, किसी ने कुछ बोला है? इनका टर्म वन हो गया। ओए करना है भाई, सबको करना है। हम टर्म वन टर्म टू थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा यार, अच्छा खासा असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है? ओके, एसेट्स की वैल्यू है मेरे पास 1 लाख। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है? मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेंस किया है इमीडिएटली 10,000 का, ठीक है? और फिर मैंने एक्सपेंस किया है 2 महीने के बाद 5,000, ठीक है? एसेट की वैल्यू में क्या ऐड करोगे, 10,000, 5,000 या 15? एसेट की वैल्यू में क्या ऐड करोगे, 10, 5 या 15? क्या आप समान सकते बताए दोस्तों? 10, 5, 15? 10,000 करेक्ट आंसर। चैंप से आप बहुत बढ़िया, 10,000 सही जवाब है। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 2 महीने बाद किया गया है, इमीडिएटली नहीं किया गया, इसलिए ऐड नहीं होगा, ठीक है? मान लेते हैं कि स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू, एक ही बात होती है, स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू, मतलब वो जो अंत की वैल्यू होती है, मान लेते हैं वो है 20,000 रुपए। और नंबर ऑफ इयर्स, ये कितने साल चलेगा, ये 10 इयर्स तक चलेगा, ये वाला एसेट हमारा 10 इयर तक चलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके ऊपर हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, तो कितना लगना चाहिए, 1,10,000 - 20/10, मतलब कि 9। यस और यस और बताइए दोस्तों, ठीक है? हाँ, अकॉर्डिंग टू एस एल, ये भी सही बात, अकॉर्डिंग टू एस एल, यस। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और अभी पूछूंगा मैं। मान लेते हैं मैंने 1/7/2010 को खरीदा है ये वाला एसेट, और साल है मेरा जनवरी टू दिसंबर। 2011 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2011 इस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कैन आप समझ सकते? 2011 एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज? बोलो बोलो, बहुत परफेक्ट, 9, बहुत बढ़िया। सर, हाँ बोल। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं डिप्रिसिएशन में, जिनमें हमको स्क्रैप वैल्यू और एसेट की वैल्यू और नंबर ऑफ इयर्स दे देते हैं और और साथ कैसे। में एक मैं कंटिन्यू करूँ तेरा क्वेश्चन, और हाँ, साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी देते हैं। नहीं, तो और ये नहीं, सॉरी, हाँ बोल। उसमें वो कहते हैं कि पहले तो डिप्रिसिएशन निकालो कितने साल का, मतलब कितना लगेगा हर साल, हाँ और फिर कहते हैं कि इतने साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमको बताओ, और दे देते हैं बीच में सेल, एसेट पार्शियल सेल, ये सब दे देते हैं बीच में। ठीक है, तो इसको एसएलएम से ही करेंगे ना, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू से जो वैल्यू आती है वो एसएलएम से एसएलएम होती है। सी है, ओके, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, 2010 इस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, 2010 जवाब दोस्तों, 2010 इस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कैन आई हैव सम आंसर्स? 2010 आपके स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन है, 2010 एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने खरीदा है 1/7/2010 को, तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब होता है कि 2010 में आधे साल के लिए एसेट यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ आधे साल के लिए ही लगे, ठीक है? बाल कुछ ज्यादा कटे, ठीक है? तो आधे साल के लिए ही लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको पकड़नी है।
2010 में, आधे साल के लगेगा, 11 12 13 में पूरे पूरे साल। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। मुझे एसेट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख और उस पे मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 5,000। ठीक है, एसएलएम के हिसाब से मैं 5,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगाता हूँ, क्या बता सकते हो कि कितना परसेंटेज है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना है? एसेट की वैल्यू क्या थी? 1 लाख एसेट की वैल्यू, 1 लाख, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? कैन आई हैव सम आंसर्स? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? इतना मुश्किल है क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी, बताइए भाई। एसेट की वैल्यू 1 लाख, लेकिन देता हूं एसेट की वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगता है 5,000 का, आपको बताना है कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन इस एसेट के ऊपर लग रहा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। ठीक है राजवीर, बताओ भाई। ठीक है लावण्या, मैं ही बता दूं, चल 5। ठीक है, हाँ तूने लिख दे, देखा था। ठीक है, 5%, 5,000 अपॉन 1 लाख इंटू 1। ठीक है, 5। अब सवाल है, इस एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब चाहते कैसे कैलकुलेट किया भैया? डेप्रिसिएशन 5,000 अपॉन 1 लाख इंटू 1, ऐसे किया था। ठीक है, इस एसेट का अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, 9,000 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, 1 लाख, 1,10,000 या 90,000? 1 लाख, 1,10,000 या 1 लाख या फिर 90,000, कितना करूंगा, डिनोमिनेटर में कितना है? जवाब दीजिए दोस्तों, सोच के जवाब दीजिएगा, डिनोमिनेटर में कितना है, मुझे सबका जवाब चाहिए भाई। डिनोमिनेटर कितना आएगा, मैं वो साइड रखता हूँ, 1 लाख, 1,10,000 या फिर 90,000? कैन आई हैव सम आंसर्स भाई साहब? 15 16 बच्चे हैं बैच में, जवाब 3 4 का आ रहा है बस। 1 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर। कई बच्चे जो है, मतलब जितना भी आपके एसेट की कॉस्ट है उससे डिवाइड करनी है ना, तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1,10,000 ही तो है, तो 9,000 अपॉन 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे भी आपका डिप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। बस दिमाग खोल के चलो, सारी चीजें हो जाए। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन सर आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करना है स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करना है स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते, अब। एक और सवाल जरा मैं आपको आपके सामने रखना चाहूंगा, 1 मिनट, पहले मैं जरा क्वेश्चन बना लू। रुको भाई, वेट सर, चलो बना लिया। यार अगर 3 साल के बाद 58,320 है मेरे एसेट की वैल्यू, 10% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता हूं मैं, आपको बताना है परचेज प्राइस कितनी है थी इस एसेट। 3 साल के बाद मेरे एसेट की वैल्यू हो गई है 58,320, 10% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता हूं, आपको बताना है कि मैंने ये एसेट कितने में परचेज किया।
हाँ सही है। आपको बताना है कि आपने ऐसे कितने में परचेज किया था बेटा। आदित्य ठीक चल रहा है भाई साहब? कार्तिक ठीक चल रहा है? वंशिका ठीक चल रहा है बेटा साहब? बाकी सब रिप्लाई कर रहे हो तो बाकियों का जवाब दे चाहिए मुझे। ठीक है, माधव नहीं आएगा आज? ओ माधव नहीं आया आज, चलो जल्दी करो बेटा, करो बात। एसेट की वैल्यू कितनी है? एक बार होने के बाद डन लिख देना बेटा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। कॉमन सेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कमल, बस डन लिख दो, मुझे बस ये देखना है कि तुमने कर लिया। बस ठीक जल्दी करो बच्चों। नहीं आ रहा? अबे तो दिमाग लगा, नहीं आ रहा क्या होगा? दिमाग लगा। कॉमन सेंस बढ़ेगा यार इससे। ठीक क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। ठीक अपना 100% दिमाग लगाओ, 100% दिमाग लगा दो अपना। आसान है बहुत, मतलब मैं करूंगा ना आप सर तोड़वा है भाई यार, ये नहीं हुआ हमसे। ठीक है सौरभ, तू बस कैलकुलेट कर ले, डन लिख दे बस, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है आ जाओ भाई, देख लो सर, देख लो इधर, अपना 100% दिमाग लगाओ बस और देखो इधर। एवरीबॉडी आप लोग हैं यहाँ पे? एवरीबॉडी ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो सर बुरा मत मानिएगा, अब तक होना होता तो हो जाता, ठीक है? तो अब रुको जरा समझो, मुझे पता है आप में से कई आसपास होंगे बट स्टिल रुको देख लो बेटा। मान ले मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो एक्स वाले तरीके से और एक 100 वाले तरीके से। आई चूज 100 वाला तरीका रहेगा। बेटा मान लेते हैं कि जब मैंने इस एसेट को खरीदा इसकी वैल्यू थी 100,
ठीक है, एक साल बाद डेप्रिसिएशन लगेगा 10 रुपए। सबसे पहली बात मैं एक तरीका बताता हूं जो बिल्कुल ही पैथेटिक है, गलत है, ठीक है। मी लिखना जरा, कितने बच्चों ने ऐसा करा कि बाय 50 at 320 डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आप सीधा प्लस कर दे, इसका 10% 5832 जो भी आएगा, फिर उसका 10% जो भी आया, फिर उसका 10%। ओए होए, हो गया क्वेश्चन, हो गया। कितने ऐसे सोचे? मी लिखो जल्दी 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 लिखो, अरे बहुत होंगे, मी लिखो जल्दी से। ये क्या है, क्या मेरा डांस है ये तरीका? कितनों ने ये लिखा था भाई, कितनों ने इस तरीके से करा है? पर मी लिख दो, कार्तिक शर्मा, और भी होंगे यार, अब बच्चे वो कर रहे हैं, किसी ने नहीं करा हो? अच्छा जी, बासु ने करा, ठीक है। और बताओ यार, अबे कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है, अटेम्प्ट करा है तुमने, ठीक है, ये पैथेटिकली गलत है। इसका रीजन मैं थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपने मान लेते 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, आपने मान लेते 100 रुपए में खरीदा, पहले साल 10 का डिप्रिशन लगा, वैल्यू रह गई 90, दूसरे साल दोबारा 9 का डिप्रिशन लगा, WDV मेथड है, वैल्यू रह गई कितनी, 81, और फिर लगा 8.1 का डिप्रिसिएशन, वैल्यू रह गई 72 पैसा, 72 रुपीज 90 पैसा। अब सुनो, अगर कोई एक एसेट में 100 का खरीदता तो उसकी वैल्यू 72 रुपीज 90 पैसा हो जाती, तो ये रिप्रेजेंट करता है 58,320, हाँ के ना भाई? 3 साल पहले उसके सी वैल्यू डेप्रिशिएट हो के 72 रुपीज 90 पैसा रह गई, तो ऐसे डेप्रिशिएट हो के 58,320 रह गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 58,320/7। तो 100, मुझे तो 100 चाहिए ना, into 100 सॉल्व करिएगा, 80,000। कितने सही थे दोस्तों, कितने सही थे? 3 ऑप्शंस है, सही थे, गलत थे, ड्रास्टिकली गलत। सही, गलत, ड्रास्टिकली गलत, बताओगे आप कौन सी कैटेगरी में? ओके, नाइस। कई बच्चे ड्रास्टिकली गलत थे, कई बच्चे गलत थे, इतना बता दूं ये ड्रास्टिकली गलत में आएगा, ठीक है। कई बच्चे जिन्होंने मी बोला नहीं था लेकिन पता है मुझे, ये ड्रास्टिकली गलत है, ये लौटा तरीका है दोस्त, ठीक है, चलो जैसा भी हो। एक और तरीका इसको करने का, लेकिन अभी वहां पर मत जाओ, अभी यही, ठीक है। तो दैट्स सिंपल सा क्वेश्चन, तो बस यही दोनों क्वेश्चन, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कहां से लगा दिया भाई, इसने देगा रखा है स्क्रैप वैल्यू, कर दे पहली बात। दूसरी बात, WDV वाला मेथड है उसमें तो स्क्रैप वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है ना, ठीक है। तीसरी बात, जब भी आपको परसेंटेज दे रखा होता है तब भी स्क्रैप वैल्यू का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। अच्छा तुमने श्रेष्ठा एक्स वाला तरीका, हाँ तो कोई उसका भी सेम है, अगर यहाँ पर एक्स है, पहले साल 0.1x माइनस होगा, अगले साल 0.09x माइनस होगा, वो तरीका भी सही है, आपके पास 0.729x आ जाएगा, उससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो तरीका भी सही है। लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो भाई लावण्या, ये 3 साल के बाद मेरे 100 रुपए के एसेट की वैल्यू ये आ गई, जल्दी यस में जवाब, 3 साल के बाद मेरे 100 रुपए के एसेट की वैल्यू ये हो गई, और ये रिप्रेजेंट करता है 58,320 क्योंकि 3 साल बाद की वैल्यू है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 58,320। तो अगर 72.9 58,320 है तो 100 कितना होगा, यूनिटरी मेथड, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे ज्यादा वैल्यू होगा, ठीक है कन्या, ठीक है दोस्तों। चलो अब आप सभी के पास आया है एक असाइनमेंट, ठीक है, सभी का दिमाग थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा होगा कि ओ भाई गॉड ये क्या क्या हो गया, कोई बात नहीं, सभी के पास आया होगा असाइनमेंट,
उस असाइनमेंट के शुरुआत के सिर्फ 12 क्वेश्चंस कर लो, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 कट्टा मार दो, वो कोर्स में नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 बस कर दो जल्दी से, बाकी होमवर्क कर ले, हो जाओ शुरू। और शर्मा जी आपको भी करना, करो अच्छे से, जल्दी करो बेटा, जल्दी पढ़। अगली क्लास से हम लोग टर्म 2 का स्टार्ट करते हैं। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। करो बेटे जल्दी करो, 10 मिनट में कर दो, जितने 12 क्वेश्चन 10 मिनट में कर दो, उसके बाद जल्दी डिस्कशन करके फिर खत्म करते हैं। अगली क्लास में टर्म 2 मजेदार तरीके से स्टार्ट। हाँ बेटा डिस्कस कर ले जरा, कितने कितने 12 खत्म कर चुके हैं, एक बार मी लिख दो, कितने बच्चे 12 खत्म कर चुके हैं? बस ओके ठीक है बेटा, 10 तक में आओ यार, डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आओ। सॉरी यार पता नहीं डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, खैर कोई बात नहीं, इतना तो इतनी तो बॉन्डिंग है अपनी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक एसेट है 1 लाख रुपए के, दो एसेट्स हैं, एक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम से, एक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है डब्ल्यूडीपी से। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके ऊपर एसएलएम लग रहा होगा उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली द आंसर इज वैल्यू ऑफ मशीनरी 2 इज मोर बाय 4000, ऑप्शन इज सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा, ठीक है, सॉरी आंसर इज सी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अबे पहला वाला समझ गए ना, एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा तो मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली एसेट नंबर 2 की वैल्यू ज्यादा होगी 4000 रुपए से। उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड परचेज, अच्छा इसका कितनों का आंसर आ रहा है 12500, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है 12500 सेकंड का, मतलब सी, कितने बच्चों का सी आ रहा है, एक बार मी लिख देना। शर्मा जी आपका आ रहा है, शर्मा जी इतनी बुरी तरह, शर्मा आस्था कमल, तुम सब ना, मतलब तुम सब ना ऐसे बच्चे हो, सब कुछ सही कर दिया, एंड मोमेंट में गलती कर दिया। निकम्मू, मैंने एसेट खरीदा है 1/1/2019 को, और साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो पूरे साल का डेप्रिशन लगेगा, 3 महीने का डेप्रिशन लगेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आंसर इज 3125, कितने सही थे, एक बार मी लिख दीजिए, 3125 कितने सही थे, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड लावण्या, बहुत बढ़िया, 3125। ठीक है, डेप्रिसिएशन 12500 आ गया, ये सभी का सभी को आ गया होगा, 1,20,000 प्लस 10 माइनस 5/10, 1,12,500 पूरे साल का है, तो 3 महीने का होगा, इंटू 3/12, दैट इज 3125। आस्ता बुरा लग रहा है बेटा, है ना, नहीं लग रहा, बहुत फिर ठीक है, फिर ठीक है, बस बुरा लगना चाहिए बस। थर्ड क्वेश्चन, अगर मेरे एसेट की वैल्यू है 97200 2 साल के बाद, तो आपको बताने कि एसेट मैंने कितने का खरीदा होगा। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन करके दिखाया था उसमें मैंने 3 साल का बताया था, यहाँ पर 2 साल का दे रखा है, वैसे अगर आप ऑप्शन से भी चूज करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 1,20,000, बी 1,20,000,
देखो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 2 साल का लगाओगे तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख 8 का भी लगाओगे कम वैल्यू आएगी। आंसर ऑब्वियसली इज 1,20,000 करके देखना आ जाएगा, आ जाएगा ना। या तो फिर आपको अगर लंबा लंबे वाले तरीके से भी करना है, अगर 100 माइनस 10 90 माइनस 9 81, 81 की वैल्यू है 97 200, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। उसके बाद 15th का कितने बच्चों का आंसर आ रहा है बी, एक बार बी लिख दो, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है बी, एक बार बी लिख दो, बी वाले बी 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 फॉर बॉम्बे, कितने बच्चों का आंसर बी आ रहा है बी लिख दो, ठीक है। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है ए, एक बार ए लिख दो, ए वाले। अच्छा तो ना तो बी आ रहा है ना तो ए आ रहा है, अच्छा तो क्या आ रहा है सर, हमने करा ही नहीं, हमने देखा 15.87, 16.67, अय है कितनी गंदी गंदी फिगर्स हैं, अय है गंदी फिगर्स के पास हम नहीं जाते, ठीक है। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को तो छपुआ नहीं। बहुत बढ़िया, देखो इधर निकम्मो, क्या बच्चों एसेट की वैल्यू थी 1,26,000, स्क्रैप वैल्यू है 6,000, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, 20,000 अपॉन 1,26,000 इनटू 115.87, कैलकुलेट करना था बस 15.87, ठीक है। बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं 1,26,000 के जगह वो इसका जो 1,20,000 है उससे डिवाइड कर देते हैं, और आंसर बच्चों का था 16.67, गलत है ये 15.87, ठीक है। अबे यार तुम लोग तो यार वैसी वाली फीलिंग में ला रहे हो मुझे, ठीक है एक बार यस नो तो बोल दो। चलो बढ़िया बढ़िया, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, तो आपको आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, आंसर इज 10%, कैसे, 1,50,000 - 15, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करोगे, क्योंकि 9 साल के बाद की वैल्यू दे रखी है, 15,000 आ गया, 15,000 अपॉन 1,50,000 * 100, आंसर इज 10%। कई बच्चों का आ रखा होगा 11.11%, क्योंकि आप नलायक है, आपने 1/35 से डिवाइड कर दिया होगा शायद, ठीक है ठीक है। मतलब क्वेश्चन करने के बाद तो आसान लग रहा है ना कम से कम, कि हाँ यार क्वेश्चन करने के बाद हमने स्टूपिड गलती कर दी, लेकिन क्वेश्चन वैसे तो आसान था, लग रहा है क्या, बच्चे कह रहे ना ना हमें ऐसा भी नहीं लग। सेवेंथ, हाँ सेवेंथ भाई, सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन चल रहा है बेटा। सिक्स तो मैंने कहा था ना कि काट दो, सिक्स गलत, आउट ऑफ कोर्स है निकम्मो, कहा तो था सिक्स काट दो, सिक्स समझ नहीं आएगा आपको, अभी प्रोविजन नहीं है अभी साल कोर्स में। अच्छा श्रेष्ठ भाई कितनी स्वीट है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अब देख लेते हैं। वैसे मैं भी श्रेष्ठा को ही बोल रहा था कि मैंने, चलो कोई नहीं, थैंक यू लावण्या, तुम ना होती तो क्या होता। हाँ जी सेवेंथ क्वेश्चन हो गया बच्चों, एवरीबॉडी सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर भाईचारा नहीं बढ़ा। चलो एट्थ क्वेश्चन, हाँ और कुछ, और कुछ आपस में बोलना है लावण्य श्रेष्ठ, और कुछ आपस में बोलना, फोन नंबर एक्सचेंज कर लो, थोड़ी सी बात बात कर लो थोड़ी। अच्छा हो गया, चल ठीक है बढ़िया, आज सामने होते तो पता नहीं क्या ही कर लेते। चलो इधर देखो नलायक, एट्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन तक हो गया, एट्थ क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जरा। एट्थ टाइप के क्वेश्चन ना काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इससे ना आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ WD, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या SLM में कभी वैल्यू जीरो हो सकती है एसेट,
क्या एसएलएम में कभी भी वैल्यू जीरो हो सकती है एसेट? बोलो बे, क्या एसएलएम में कभी भी वैल्यू जीरो हो सकती है? कभी भी मतलब एंड में कभी जीरो हो सकती है वैल्यू? हाँ, एट सम पॉइंट पीएम आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या एसएलएम में तुम लोगों को आज 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 टट्टी वगैरह हो गया मुझसे? नहीं हो सकती। लावण्या, लावण्या एक एसेट है 1 लाख का, हर साल उसमें से 10,000 माइनस करोगे तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी बेटा? है बेटा, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? यप, हो सकती है वैल्यू। लेकिन क्या एवरीबॉडी, लेकिन क्या WDV में कभी जीरो हो सकती है क्या वैल्यू? लेकिन क्या WDV में कभी भी जीरो हो सकती है क्या वैल्यू? बताओ, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। करके देखना, कैलकुलेटर में लगे रहना, 50 साल कैलकुलेट कर लेना, कभी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही पॉइंट है, बस यही मेरा क्वेश्चन है। आंसर इज ए, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकम जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द फ्यूचर। इसके अलावा बाकी तीनों पढ़ के देख लेना, बाकी तीनों फीचर है आपको। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन द बेस्ट, ए बी सी डी, जल्दी बताओ बेटा, ए बी सी या डी? बताया था क्लास में, चिल्ला चिल्ला के बताया था, बार ध्यान से देख, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ए बी सी डी, सौरभ सही जवाब, सी, एलोकेशन ऑफ एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बताया था डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बताया था? नहीं बताया था दोस्तों? सर भूल गए। मैं बोल दो नलायक हूँ, बताया था? यस बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, ये बाकी बच्चे क्यों जवाब दे रहे? यश तू तो चुप ही हो गया अचानक ही, पार्थ जोशी तू भी चुप हो गया भाई, बाकी बच्चे तो कुछ बोल ही रहे हैं वैसे हैं। चलो कोई बात नहीं। टेंथ क्वेश्चन, 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का और 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा आधे। अच्छा, अरे सॉरी क्यों बोल रहा है भाई, तेरी गलती थोड़ी। ठीक है, 5 लाख पे लगेगा पूरे साल के लिए, 2 लाख पे लगेगा आधे साल के लिए। आंसर इज 5,80,000। स्टूपिडिटी करी है कुछ बच्चों ने और उन्होंने 5,60,000 लिख दिया होगा, क्योंकि आप नालायक बच्चे हैं। ठीक है, 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, मतलब 1 लाख का, और 2 लाख पे लगेगा आधे साल का। ठीक है, 5,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन, एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ। सुनो, एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट्स को जब आप राइट ऑफ करते हैं उसे कहते हैं एमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के लिए होता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है वर्ड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से थियरी इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी आपको क्वेश्चन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, जल्दी बताओ, ए बी सी डी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, ए बी सी डी, बताओ बताओ। बोलो भाई बोलो, बोल ही नहीं रहे बच्चे, कौन भाग गया? बोलो बेटा, आंसर इज सी, पुट टू यूज। सुनो, पुट टू यूज होता है, रीजन क्या है उसका? जब तक एक, आपको लाइन याद है, जब तक एसेट पुट टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता उसके ऊपर किए गए सारे खर्चे कैपिटलाइज। हमने बोला था इंग्लिश में, बताई थी मैंने आपको लाइक, अनलेस एंड अंटिल एन एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सच एसेट मस्ट बी कैपिटलाइज। तो जब तक आप उसे इंस्टॉल करके पुट टू यूज रेडी टू रेडी कंडीशन में नहीं लेके आ जाते उसके ऊपर किए गए सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे, मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड होंगे बेटा। आंसर इज नॉट परचेज, परचेज कभी भी कर लो, लेकिन जब तक आपने उस चीज को फिट करके स्टार्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं लेके गए उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर?
इस असाइनमेंट का 11th का क्या है? 11th क्वेश्चन क्या था? फोन वहां पर चल, रुक जाओ मैं। 11th एमोर्टाइजेशन होता है बेटा इनटेंजिबल एसेट, एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट। एक मिनट बेटा, एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। चलो भाई ठीक दो, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, मुझे पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने थे सर। जर्नल के आंसर्स, अबे हाँ मैं करवाता हूँ ऐसे, इंटरेस्ट मेरे पास है। मैं इसके आंसर्स एंड में दे रखे हैं, देखो जरा सब इसके आंसर देखो जरा, स्क्रॉल अप करो, एंड में आंसर है। कितने बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि तेरी ऐसी की तैसे पहली बता देता यार, इतनी मेहनत नहीं करनी होती। कितनों के अंदर ऐसी वाली फीलिंग आ रही हो ना, देखा लावण्या प्लेयर हूं ना मैं। एवरीबॉडी कैसा लगा? टाना ना ना ना, ऊपर से चश्मा और बीड़ी आ रही है भाई साहब। चश्मा तो मैं ला सकता हूँ, बीड़ी बीड़ी नहीं, ठीक है। हाँ चलो बढ़िया, ठीक है। तो एक बार जरा सारे के सारे टोपी भी आ गई, ठीक है। एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस चेक कर लेना, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, अगली क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आर फॉर रिवाइज कर रहे हैं या फिर सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं? सेकेंड टर्म, ठीक है। उसके बाद दो क्लासेस होंगी छुट्टी से पहले, छुट्टी के बाद हम क्या करेंगे कि 3 दिन जैसे हफ्ते में क्लास होती है, तो 2 दिन तो हम लोग टर्म टू का पढ़ेंगे और 1 दिन हम लोग ना रिवाइज वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ताकि भाई उसके साथ भी टच बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ो यार, और जो भी कुछ दिक्कत परेशानियां हो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं। पार्थ तू कुछ कह रहा था? बाकी सब जैन दोस्तों, टेक केयर, बाय, यू टड़ास टड़ास टड़ास। तू कुछ कह रहा था पार्थ? सर एमोर्टाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी कंपनी से रिलेशंस हटा रहे हैं अपने, तो नहीं नहीं एमोर्टाइजेशन कह नहीं सकते हैं उसको। तो रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, हम अकाउंट्स को कर रहे हैं, रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। सर इंटेंजिबल एसेट्स को राइटिंग ऑफ करने का को कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, जैसे मेरे पास मेरा वो है सॉफ्टवेयर, मेरे मेरी जो ऐप है तूने भी देखा होगा, मेरी जो ऐप है, ठीक हाँ है, वो मैंने एक खरीद रखी है, ठीक अच्छा है। मतलब मैंने किसी बंदे से ऐप डेवलप करवाई, उस इंसान ने मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे, तो मैं मेरे अकाउंट्स में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, ठीक है। तो मैं उसको हर साल, ऑब्वियस सी बात है हर साल उसकी वैल्यू कम, ठीक है, क्योंकि भाई वो भी एक एसेट ही है, ठीक है। तो उसको जब मैं खत्म करूंगा तो उसको मैं वर्ड जो यूज करूंगा डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं एमोर्टाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन बोलूंगा, अच्छा समझ रहे हो। तो बस ये वर्ड्स की बात, अगर मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है दैट इज डेप्रिसिएशन, अगर मेरे इंटेंजिबल एसेट का खत्म हो रहा है तो दैट इज एमोर्टाइजेशन। ये बस जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, उसको ज्यादा लोग यूज करेंगे, उस पर ट्रैफिक आएगा, तो मेरे को उसमें से भी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, अगर वेबसाइट में ट्रैफिक ज्यादा आता है तो आपकी उससे वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक हाँ है, पहली बढ़ती है, अच्छा है, थोड़ी बात। यूज ज्यादा हो रही है। लेकिन लेकिन हम अपने अकाउंटिंग उसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली मतलब खर्चा होता है, ठीक है। तो अब देख, चल मैं और इन डेप्थ जाता हूँ भाई। मैं धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं दो टाइप के खर्चे करता हूँ। एक खर्चा करता हूँ मैं जो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, एक खर्चा करता हूँ जो बड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। जो छोटे टाइम पीरियड के लिए खर्चा होता है उसको तो मैं डायरेक्टली एक्सपेंस मान देता हूँ और मैं अपने रेवेन्यू में से माइनस कर देता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो मेरे बड़े खर्चे होते हैं, जैसे गाड़ी हुई, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी, जैसे मैंने एसेट्स खरीदे, तो भाई उस पे भी तो मैंने खर्चा किया है ना, तो उसको भी तो मैं अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंस ट्रीट करूंगा ना, तो अच्छा उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप ये भी समझो, समझ आ रही है बात? समझ, ठीक है, समझ आ गया ना तू? तो अब हाँ मेरे अगर वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उससे मेरे वेबसाइट की वैल्यू बढ़ रही है, कल को मेरे एप्लीकेशन में ज्यादा बच्चा आ गया तो मेरी एप्लीकेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर बायजूस, जैसे बायजूस खरीदता रहता है, तो मेरा भी यही प्लान है कि भाई 3-4 साल में इतना नाम कर दूं कि बायजूस जो है वो मुझे 100 करोड़ में खरीद, ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन 100 करोड़ में मैं बेच दूंगा उससे, तो वो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने 8 लाख रुपए एप्लीकेशन में खर्च करे तो मैं उसको हर साल राइट ऑफ करूंगा ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो रियल में मत जा, तू सिर्फ बुकिश एग्जाम्पल समझ, ठीक है। अच्छा तो वेबसाइट को भी तूने, अगर मैंने वेबसाइट बनाई है 1 लाख रुपए की जिसको मुझे पता है 5 साल यूज करूंगा मैं, तो हर साल मैं कितने की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ? 20,000 की।
हो सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे वेबसाइट की वैल्यू बढ़ जाए अगर उस पर ट्रैफिक आए और गूगल उसे में से $1 मिलियन का खरीद ले, लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें डेप्रिशिएट ही मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने खर्चा किया है उसको मैं रिकवर कर रहा हूँ। बहुत गहरी बातें बता रहा हूं मैं तेरे को, हाँ आ रही बात समझ? हाँ तो उस सेंस में वो डेप्रिसिएशन है, समझ गया। ठीक है? एक, हाँ लावण्य, ये आपने जो बोला है गुड रेपुटेशन, यस दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन एडवर्टीजमेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई मेरा एसेट नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट मेरा एक्सपेंस है, इसलिए इसलिए हम उस पर डिप्रिशिएट एक्सपेंस करते भी, हैं। ठीक है? इसलिए उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है लावण्य? आई बिलीव आप सभी को क्लियर। कौन कौन है भाई, कौन कौन बैठा हुआ अभी भी? अच्छा, ये सब बच्चे बैठे, चलो अच्छी बात, पढ़ो पढ़ो, चलो। सो दैट्स इट, आई बिलीव। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। अगर कुछ पूछना हो तो आई बिलीव लावण्य और पार्थ आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, राइट? ठीक यस सर, गुड है बेटा, लावण्य हो गया, नाइट गुड सर। नाइट बच्चे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी यू।